मुंबई एयरपोर्ट से युगांडा से आए पैसेंजर को DRI ने किया गिरफ्तार। बॉडी के अंदर छुपा कर रहा था ड्रग्स की स्मगलिंग। इस शख्स के पास से 65 कोकिंग ड्रग्स की कैप्सूल जिसकी कीमत 7,85,00,000 है वो हुई बरामद। ओपन गटर के ढक्कन 20 अगस्त तक लग जाने चाहिए पूरे मुंबई में, वरना होगी कार्रवाई। BMC कमिश्नर ने सभी वार्ड को दी वार्निंग। गैम्बलिंग मटके के अड्डे पर रेड की गई, 14 लोगों पर हुई कार्रवाई। मुंबई पुलिस की SS ब्रांच ने घाटकों पर में चलाए जा रहे अड्डे पर की रेड। महाराष्ट्र में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत 186 जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जाएगा। वेस्टर्न लाइन के यात्रियों को तकनीकी खराबी के कारण देरी का सामना करना पड़ा, 15 से 20 मिनट देरी से चली ट्रेन। NCP मुंबई का मल्टीपल ऑपरेशन, 3 करोड़ की ड्रग्स, MDMA, LSD और वीट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने के फार्म हाउस से 2 टन खैरवुड हुई बरामद। स्मगलिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने। चाय के पत्ती में डायमंड की स्मगलिंग का मामला आया सामने। दुबई जा रहे पैसेंजर को मुंबई कस्टम ने पकड़ा, 1,49,00,000 के डायमंड किए बरामद। मीरा रोड में हिट एंड रन केस आया सामने, कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक बाइक सवार की हुई डेथ, 1 हुआ घायल। एंटी नार्कोटिक सेल वली यूनिट ने साउथ मुंबई से 204 ग्राम MD ड्रग्स और कैश के साथ 40,95,000 का माल बरामद किया और 6 लोगों को किया गिरफ्तार। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इक्वेलिटी और जस्टिस के लिए UCC की वकालत की, शहरों के पॉजिटिव इम्पैक्ट का हवाला दिया। CM योगी के हमशक्ल सुरेश कुमार योद्धा का मर्डर हुआ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। समाजवादी पार्टी के मेंबर थे और पार्टी के लिए कैंपिंग करते थे। अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया। थाने डोमेवली के उल्लास नदी में डूबे 2 लोग, डूबने वालों के नाम सलमान अंसारी और सरफराज अंसारी बताया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र होलसेल मार्केट में प्याज की कीमत 1 हफ्ते में 48% तक बढ़ी, क्या टमाटर के बाद अब प्याज के भी दाम बढ़ेंगे, लोगों ने किया सवाल। मुंबई के बीच पर जाने वाले सावधान, ब्लू बॉटल जेली फिश दिखाई दी चूहू बीच पर। सुषेणा UBT ने म्यूजिक कंपनी के CEO अपहरण मामले में MLA प्रकाश सुरवे के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की। आगरा में अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को लेकर मचा बवाल, हिंदू संघ के लोगों ने अक्षय कुमार को थप्पड़ मारने, फेस पर थूकने वाले को 10,000 के इनाम की घोषणा की। मुंबई सेंटर के सेंट्रल रेस्टोरेंट और बार पर मुंबई पुलिस केसेस ब्रांच ने की रेड, 30 लड़कियों को रेस्क्यू कर 26 लोगों पर की कार्रवाई। संडे 13 अगस्त 2023 को सेंट्रल लाइन माटुंगा मुलुंड, हर्बर लाइन मानखुर नेहरूल और वेस्टर्न लाइन सेंट्रल क्रूज गोरेगांव के बीच रहेगा मेगा ब्लॉक। पर्यावरण को बचाने के लिए माथेरान सहित 8 हेरिटेज रूट पर रेलवे का हाइड्रो इंजन चलाने का प्लान शुरू किया रेलवे ने। काशीमीरा में 17 साल के लड़के ने कोचिंग एकेडमी के मालिक पर चाकू से किया हमला, खुद को किया पुलिस के हवाले, वारदात हुई कैमरे में कैद। बॉडी बैग स्कैम मामले में पूर्व मेयर किशोरी पेंडेकर की बड़ी मुश्किलें, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जारी किया समन। मुंबई पुलिस को 7 महीने में आए 32 बम अफवाह वाले कॉल, 17 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गदर 2 मूवी का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन OMG 2 से काफी ज्यादा, पठान से काफी कम रहा। गदर 2 फर्स्ट डे में 40,10,00,000 और OMG का 10,26,00,000 रहा कलेक्शन। शाहरुख खान की मूवी जवान की वीडियो क्लिप लीक हुई, सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन में अननोन के खिलाफ FIR हुई दर्ज।